कभी दो शेरों की लड़ाई देखी है? उन दोनों के दरमियान एक मारखोर क्या कर सकता है? वही जो प्रेसिडेंट अयूब खान की गवर्नमेंट ने 1960 में किया। 1960 पहली मई को पेशावर बेस से एक प्लेन उड़ा, जब पूरी दुनिया एक बिग फोर समिट की तैयारी कर रही थी, जहां यूएसए और सोवियत यूनियन आकर अपने तनाजात हल करते। उस वक्त ये स्पाई प्लेन पेशावर बेस से U2 के नाम से मशहूर उड़ा और उसका काम था सोवियत ग्राउंड्स पर सर्वेलेंस करना, अमेरिकन हुकूमत के लिए खामोशी से पीछे का काम करना। लेकिन इस सब को पॉसिबल ना होने दिया सोवियत मिसाइल ने। Guess what? They shot down the plane. उसके बाद USA ने पूरी दुनिया के सामने करार दिया that this was a weather plane accident. और President Khrushchev Soviet Union के चुपचाप देखते रहे। जब वो summit में आए तो उन्होंने सारा राज फाश कर दिया। And this became a very embarrassing moment for President Ayub Khan's government. इस सारी सिचुएशन को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करने के लिए President Ayub Khan had to send his foreign ministry delegation with Zulfikar Ali Bhutto to Soviet Union. और वहाँ से पाकिस्तान ने डिस्कवर किया कि दोस्त USA के अलावा सोवियत यूनियन को भी बनाया जा